नोबल राइडर की मांग पहुंची अनशन तक। मौदहा हमीरपुर में कस्बे से जुड़े नेशनल हाईवे 34 कानपुर सागर मार्ग पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों के कारण इसे खूनी हाईवे की संज्ञा दी जा चुकी है और इस हाईवे पर हमीरपुर जनपद की सीमा में प्रति माह लगभग आधा सैकड़ा लोगों की जाने सड़क हादसे में जाती हैं, जिसका मुद्दा सांसद पुष्पेंद्र चंदेल के द्वारा लोकसभा में भी प्रमुखता से उठाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोर लेन और डिवाइडर बनाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसके बाद गुरुवार से तहसील प्रांगण में कस्बे के युवाओं ने अनशन शुरू कर दिया है। कस्बे की बाहरी सीमा से जुड़े नेशनल हाईवे 34 पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की मुख्य वजह हाईवे में डिवाइडर नहीं होना है, साथ ही हाईवे को फोर लेन करने की मांग भी समय समय पर क्षेत्रवासियों द्वारा की जाती रही है। बीते एक सप्ताह पहले नेशनल हाईवे पर मकराओं के निकट हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और आधा दर्जन अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिसके बाद इस मांग ने जोर पकड़ लिया और कस्बे के नीरज वर्मा, बसंत सोनी और आरिफ चौधरी ने हाईवे को डिवाइडर सहित फोर लेन करने की मांग को लेकर तहसील में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। हालांकि पहले ही दिन से अनशनकारियों को भारी जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जबकि सड़क हादसे में अपने प्राण त्याग चुके मृतकों की आत्मा की शांति के लिए इंगोहटा में समाजसेवी विजय द्विवेदी ने लगभग एक सैकड़ा लोगों के साथ कैंडल मार्च निकालकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। नाम है आपका? मेरा नाम बसंत सोनी है। आप अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मांग तो मैं 5-6 दिन से सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से और समस्त क्षेत्रवासियों को ये बात का आकलन है और सभी को सूचना है कि मांग किस चीज़ की है। मांग हमारी NH 34 जो खूनी हाईवे है उसमें हो रही घटनाएं कैसे रोकी जाएं, और ये तभी रुक सकती हैं जब इस हाईवे में डिवाइडर और फोर लेन प्रस्तावित होता है, तभी ये घटनाएं रुक। आपने कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था, उस पर अधिकारियों ने क्या कहा? अभी तक अधिकारियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई है और किसी भी प्रकार का कोई जो है सांत्वना नहीं मिली है, ना कोई जो है उसमें कोशिश की गई है। इसलिए आज हम 30 जून को इस क्रमिक अनशन में हम सभी साथी इस अनशन के लिए बाध्य हुए। अपडेट मीडिया के लिए मौदहा से हर्षित गुप्ता की।